अब ऑडिबल है बच्चे क्या अब ऑडिबल है अब सभी को ऑडिबल है अब वॉइस आ रही है ओके ऑल राइट सो लेट्स स्टार्ट ऑल राइट सो मैं क्या बोल रही थी तुम जो भी मैंने बोला सारा ऐसे गया ओके ऑल राइट सो ये मेरी अन अकेडमी की जो प्रोफाइल है राइट right? इस पर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो जाके मेरे जितने भी ऑन गोइंग कोर्सेज हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे एंड जो भी बैचेज़ हैं वो भी आपको मिल जाएंगे तो आप वहाँ पे जो है वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो क्लासेस अगर जो प्लस के कोर्सेज है वो ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है सब्सक्रिप्शन लेना है और सब्सक्रिप्शन लेते टाइम आपको मेरा कोड लगाना है मिनी लाइफ टेन ये कोड लगाने से आपको क्या होगा टेन परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा और जो भी उस टाइम पे ऑफर चल रहा होगा वो भी आपको मिल जाएगा ठीक है एंड ये आपका जो है आ, बैच कोर्स जो है ट्वेंटी फर्स्ट जुलाई से स्टार्ट हो रहा है ठीक so, है सो इसके अंदर आपके सारे एजुकेटर्स हैं ये आपका जो रहने वाला है इसके अंदर थ्योरी कोर्स आपका ही रहने वाला है ठीक है so, सो डिटेल में आपकी थ्योरी होगी इसमें एंड यस yes, एक और चीज़ कल आपका सी यू ई टी का कल आपका दो बजे दोपहर में दो बजे सी यू ई टी का मॉक टेस्ट है राइट right, उसका लिंक मैं एक बार वापस से आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगी ये जो मॉक टेस्ट है ये आपको ज्वाइन करना है टुमारो टू पी एम ये आपका वन ट्वेंटी मिनट्स का होगा और ये सभी को देना है दिस इज़ फ्री फॉर ऑल सभी के लिए है ये राइट right? तो ये टेस्ट जो है ये सारे बच्चे देंगे मैं अपना जो कम्युनिटी ग्रुप है मेरा उसमें इसका जो लिंक है जो क्यू आर कोड है वो मैं शेयर कर दूँगी अभी जस्ट क्लास ओवर होते ही तो आप मेरे कम्युनिटी ग्रुप में इसका लिंक जो है जो बच्चे फर्स्ट टाइम आए हैं वो कम्युनिटी ग्रुप में देख सकते हैं ठीक है और सो कम्युनिटी फीचर आप लोगों को पता ही होगा जिसमें हमारा ग्रुप होता है जिसमें मैं सारे अपडेट्स आपको देती हूँ तो आप वहाँ पे इसका लिंक ले लेना जो बच्चे फर्स्ट टाइम आए क्लास में ठीक है चलिए सो फर्स्ट क्वेश्चन नो 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 ये आ, ये आपका जो होगा ना लिंक आपको मिल जाएगा मैं आपको लिंक दे दूंगी मधु है ना वहाँ से आप उस लिंक से डिरेक्टली कल लिंक पे टैप करके ऐप पे होगा वो ठीक है तो आप डिरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो ओके चलिए सो क्वेश्चन वन इन विच डिरेक्शन डू द सोडियम एंड द पोटेशियम आयन मूव इन द सोडियम पोटेशियम पंप इन विच डिरेक्शन एंड द पोटेशियम आय इन द सोडियम पोटेशियम पंप श्रांशी ने आंसर किया है पहले बी B. ओके okay, तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं वो क्या करते हैं तीन सोडियम आयंस को तो क्या करते हैं बाहर फेंकते हैं और उसके बदले क्या होते हैं दो ही पोटेशियम आयंस जो होते हैं वो अंदर आते हैं इसी की वजह से जो अंदर जो चार्ज रहता है वो क्या रहता है नेगेटिव चार्ज रहता है राइट right? क्योंकि क्या हुआ दो पॉजिटिव बाहर चले गए तो यहाँ पे माइनस हो गया प्लस दो पॉजिटिव अंदर आ गए प्लस टू तो कितना चार्ज हो गया माइनस चार्ज आ गया ना इसकी वजह से यहां पर क्या रहता है सेल के अंदर आपका नेगेटिव चार्ज रहता है टू आर्स का होगा वन ट्वेंटी मिनट्स का होगा आपका जो मॉक टेस्ट रहेगा राइट right? मैं शेयर कर दूंगी डिटेल्स मॉलिक्यूलर माइक्रोबाजी के क्वेश्चन है फॉलोइंग डिजीज इज ऑल्सो नोन एजन डिजीज तुम में से किसी ने शायद से मुझे पेपर भेजा था और बोला था मैम ये सॉल्व कराना तो मैंने वही पेपर उठाया Which of the following disease is known as Henson's disease? Good, Adipta. Baki Which one of the following is known as the Henson's disease? Very good. It is B. Leprosy jo hota hai. Leprosy jo hota, usko Henson's disease B. Bolte hai. Very, very good. नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग इन द ग्रुप ए विद देयर पॉजिटिव एजेंट्स इन द ग्रुप बी चलो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आराम से अपना टाइम लो और इस वाले येस yes, बिल्कुल बिल्कुल लास्ट वाला जो क्वेश्चन था हेन्सन डिजीज जो है वो लेप्रेसी होगी जिसने भी लेप्रेसी आंसर किया है जिसके भी आंसर लेट आया है कोई बात नहीं एकदम करेक्ट है ठीक है इसका आंसर बताओ This one match the following diseases group A with the group B matlab ki diseases aur unke causative agents very good अदिप्ता good बाकी के बच्चे try करिए answer करने का ka. It will be C. Answer will be C. राइट सो यहाँ पे आंसर जो होगा आंसर विल बी सी राइट सबसे पहले जो हिस्ट्रोप्लाज्मोसिस होता है इट इज़ कॉज्ड बाय द फंगस फंगस कॉज करती है एनसीफिलाइटिस जो होता है उसके बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं जिसके अंदर ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन इन, हो जाता है बट वन ऑफ द कॉज एंड द मेन कॉज इज द वायरस के इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाता है राइट सिस्टी सिरसिस जो होता है इट इज़ कॉज्ड बाय द टेप एंड जो लीश होता है इट इज़ कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ। सो आपका हो जाएगा आई थिंक थर्ड इज द करेक्ट मैच राइट थर्ड जो है ऑप्शन वो करेक्ट मैच है तो आंसर हो जाएगा सी यहाँ पर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ल्यूकोपिनिया ल्यूकोपिनिया इज एन एबनॉर्मल कंडीशन रिलेटेड टू द इम्यून सिस्टम दिस कंडीशन इज नोन फॉर ल्यूकोपीनिया ल्यूकोसाइट से रिलेटेड है ल्यूकोपिनिया वेरी गुड अध सोनाक्षी श्रेंशी अद्रुजा मधु हरी हरीश सुरभि सुचित्रा अनुजा पूजा वेरी गुड सो यहाँ पे जो ल्यूकोपीनिया है ल्यूकोपीनिया इज़ द कंडीशन जहाँ पे क्या होता है ब्लड के अंदर जो डब्ल्यू बी सी का काउंट है डब्ल्यू बी सी का जो काउंट है इन ब्लड वो क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है क्लियर है सो so आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा जिनको भी नहीं आता था या फिर याद नहीं आ रहा था वो इस पॉइंट को ऐसे अपनी जो क्वेश्चन वाली जो आपने एक नोटबुक बना रखी है उसमें सब ये नोट कर लेंगे ठीक है क्यू फीवर क्यू फीवर इज कॉज्ड बाय द मेंबर बिलोंगिंग टू द जीनस कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कोर माइक्रोबायोलॉजी से हो सकता है कि जो बच्चे माइक्रोबायोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है उन्हें ये ना आए बट दैट्स कंप्लीटली फाइन ठीक है बिकॉज ये मोलिकुलर बायोलॉजी के मोलिकुलर uh, माइक्रोबायोलॉजी के ही पेपर के ठीक है अगर आपको इन जनरल जैसे लाइफ साइंसिस का पेपर दे रहे हैं क्यों पी जी क्यूपी ट्वेंटी टू दे रहे हैं तो उसमें ये नहीं आएंगे इतने डेप्थ में क्वेश्चन वेरी गुड अद्रजा दिप्ता मधु राइट सो क्यू फीवर जो होता है क्यू फीवर इज कॉज बाय द बैक्टीरिया कॉग्जी राइट कॉग्जी बर्निटा ऐसे करके कुछ इसका स्पेसिफिक नेम होता है राइट right? ओके okay. जिनको भी नहीं आता था इसका कोई बात नहीं नोटेड डाउन जो जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आप लोगों ने पहली बार देखे या कुछ है उनको नोट कर लीजिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो चलो ये तो तुम लोग के लिए सबके लिए कॉमन है बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इंटरमीडिएट इन द स्टेरॉइड बायोसिंथेसिस स्टेरॉइड बायोसिंथेसिस में विच वन इज द इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट इन द स्टेरॉइड बायोसिंथेसिस गुड अध मधु पूजा बाकी बच्चे बताओ स्टेरॉइड बायोसिंथेसिस का इंटरमीडिएट आपको बताना है वेरी गुड बाकी बच्चे ट्राई करो और जिन्होंने आंसर कर दिया है वो, वो सेशन को लाइक कर दीजिए फटाफट से जिन्होंने भी आंसर कर दिया है वो सेशन को लाइक कर दीजिए फटाफट से फटाफट आंसर करिए बच्चे इसका क्या होगा आंसर आंसर विल बी स्क्वैलिन राइट स्क्वेलिन इज द इंटरमीडिएट इन द प्रोसेस ऑफ द स्टेरॉइड बायो सिंथिस राइट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो इसे है ना ये कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में बहुत आपसे पूरा कोई पाथवे नहीं पूछेगा आपसे पूरा ग्लाइकुलिस कोई नहीं पूछेगा आपसे इंटरमीडिएट पूछे जाएंगे उनकी कोई स्पेसिफिक कि किस तरह से उनका रेगुलेशन हो रहा है ये पूछा जाएगा ठीक है और राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द म्यूटरजेंस विद द म्यूटेशन दे इंड्यूस मेरी आईज में बहुत ज्यादा एलर्जी हो गई पता नहीं इन्फेक्शन हो गया हाँ मैच द म्यूटरजन विद द टाइप ऑफ द म्यूटेशन दे इंड्यूस ओके okay. आप लोग ने सी आंसर किया है मुझे तो एक्चुअली में सी आंसर लग नहीं रहा है बच्चे मुझे तो आंसर जो लग रहा है वो लग रहा है कि ए होगा क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो कि फाइव ब्रोमो यूरेसिल जो होगा वो थाइमिन का हो जाएगा यहाँ पे ठीक है टू अमाइनो अमाइनोप्यूरिन जो है इट इज़ द एनालॉग ऑफ द एडिनिन तो ये हो जाएगा प्यूरिन का एनालॉग ठीक है प्रोफ्लेविन जो है प्रोफ्लेविन मैंने बताया था इंटरकैलेट करेगा प्रोफ्लेविन क्या करेगा इंटर कैलेट करता है तो प्रोफ्लेविन क्या हो जाएगा इंटर कैलेटिंग एजेंट हो जाएगा नाइट्रस एसिड क्या करेगा नाइट्रस एसिड जो होगा डीएमिनेशन करेगा कन्वर्जन ऑफ द एडिनिन टू हाइपोजेंथिन कर देगा तो इथाइल इथेन सल्फोनेट जो है इट रिमूवल ऑफ द प्यूरिन रिंग वैसे तो यहाँ पे जो इथाइल इथेन सल्फोनेट है उसका काम होता है एल्काइलेशन करने का राइट वैसे तो ये अल्काइलेशन करेगा बट इसके अंदर रिमूवल ऑफ द प्यूरिन रिंग जो है वो एग्जैक्टली मतलब ऐसा नहीं है मैं नहीं बोलूंगी कि that is appropriate, but अगर बाकी के सारे जाए तो answer A ही होगा पे करेक्ट है आप बी को इथिन तो एजेंट है ना वो अलकालेसन करता है अल्काइल ग्रुप का एडिशन करता है इथाइल ग्रुप का एडिशन कर रहा है करेक्ट सो आंसर विल बी ए नेक्स्ट कमीशन नंबर न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजाइम बेस्ड ऑन जो एंजाइम कमीशन नंबर जो दिए जाते हैं वो किस बेसिस पे दिए जाते हैं वो जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो किस बेसिस पे किया गया है सोनाक्षी वेरी गुड बताओ फटाफट जिसने भी सेशन लाइक नहीं किया है बच्चे प्लीज जाके सेशन लाइक कर दीजिए द इंजाइम कमीशन नंबर जो इंजाइम कमीशन नंबर जो दिया जाता है जैसे आपके जो क्लासेस हैं वो अब एंजाइम कमीशन नंबर तो पहले तो आपका ई सी जैसे वन हो गया ई सी थ्री हो गया हाइड्रोलेजिज आपका तो इस तरह से आपको क्लासेस के बेसिस पे दिया हो गया है ना तो वो आपकी क्लासेस किस बेसिस पे जो मेन क्लासिफिकेशन है वो किस बेसिस पे रिएक्शन के बेसिस पे सो so फर्दर उसी के मेन जो क्लासिफिकेशन किया वो रिएक्शन के बेसिस पे तो किया जो रिएक्शन कैटेलाइज कर रही हैं राइट सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा ए इट इज बेसिस ऑन ऑन द रिएक्शन केमिकल रिएक्शन दे कैटेलाइज तो उसके बेसिस पे इन्हें क्लासीफाई किया है वेरी गुड नेक्स्ट इज जॉर्ज बीडल एंड एडवर्ड टेटम प्रपोज्ड वन जीन वन एन्जाइम हाइपोथीसिस थ्रू द एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम ये आई थिंक मैंने कल ही आपको करवाया था स्पेशल uh, क्लास में आई थिंक कल स्पेशल क्लास मैंने ली थी यस yes. उसमें मैंने करवाया था गुड गुड कृता सुचित्रा दीप्ता सुरभि लवली सोनू श्रेयांशी अनुजा पूजा जया पलक सोनाक्षी अनामिका वेरी गुड मधु राइट सो आंसर विल बी ए हीर राइट दे एक्सपेरिमेंटेड ऑन द न्यूरोस्पोरा क्रेसा उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली इन द आउटर लेयर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ठीक है एक्सक्लूसिवली मतलब कि जो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली मतलब कि वो आपको आउटर लेयर पर ही मिलेगा वो आपको आउटर लीफलेट पर ही मिलेगा वो आपको इनर लीफलेट पर नहीं मिल सकता है वो बताना है आपको जो आपको सिर्फ और सिर्फ आउटर लीफलेट पर ही मिलेगा इनर पे नहीं मिल सकता है वेरी वेरी गुड मैंने ये सोचा था कि ये वाले क्वेश्चन में आप लोग गलती करोगे बट नहीं आप लोगों ने इसे करेक्ट आंसर किया वेरी गुड हम हमें पता है फॉस्फोलिपिड जो होगी वो दोनों तरफ प्रेजेंट होंगे राइट right? जो स्टीरोल्स हैं जो लाइक like, अगर मैं बात करूं कोलेस्ट्रॉल तो वो तो क्या होता है दोनों तरफ ही मैमब्रेन के अंदर इंटीग्रेटेड हो सकता है राइट right? कोलेस्ट्रॉल है ना दोनों तरफ हो सकते हैं राइट एक्सट्रेंसिक प्रोटीन्स जो होते हैं एक्सट्रेंसिक प्रोटीन्स आदा पेरेफ्रल प्रोटीन तो वो तो दोनों तरफ हो सकते हैं बट जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं बिकॉज दे हैव द कार्बोहाइड्रेट मोइटी राइट एंड जो कार्बोहाइड्रेट मोइटी होती है वो कभी भी इनर लीफलेट पे नहीं होती है इट इज ऑलवेज एक्सटेंडेड आउटवर्ड राइट आउटवर्ड आउट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होती है वो राइट right? तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा वेरी वेरी गुड नेक्स्ट इज वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफाइड डाई हाइब्रिड रेशियो इज ऑप्टेन फ्रॉम द एफ टू जनरेशन इन द केस ऑफ एपिस्टेसिस डोमिनेंट एपिस्टेसिस के केस में रेशियो क्या होगा बच्चों तो जेनेटिक्स में जो भी आपके रेशियोज हैं राइट जेनेटिक्स में जो आपके रेशियोज है कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स डुप्लीकेट जीन्स डोमिनेंट एपिस्टाइसिस रेसेसिव एपिस्टास इनके ऊपर डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आस राइट सो इट विल बी ए राइट टू थ्री इज टू वन इज द रेशियो ऑफ द डोमिनेंट एपिस्टेसिस का क्या हो जाता है बच्चे रेसेसिव का क्या हो जाता है नाइन इज टू थ्री इज टू फोर हो जाता है रेसेसिव का क्या रेसेसिव का नाइन इज टू थ्री इज टू फोर हो जाता है hmm? और आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स है आपके जो कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स हैं क्या मैं सही बोल रही हूँ येस और नो तो बोल दो लिख कर नहीं बता सकते हो तो हाँ आपके कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स का क्या मैं नाइन इस टू सेवन कर दूँ और जो आपके डुप्लीकेट जीन्स हैं जो हमारे पास में डुप्लीकेट जीन्स हैं डुप्लीकेट जीन्स का क्या मैं कर सकती हूँ फिफ्टीन इज टू वन क्या ये रेशियोज़ हैं जो हमें याद रखने हैं बिल्कुल सिर्फ यही तो है सिर्फ ये चार पांच रेशियो है इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा तो हमें क्यों रिस्क लेना है याद करके रख लो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज सेकेंडरी मैसेंजर ड्यूरिंग द सेल सिग्नलिंग इनमें से कौन सा है जो कि सेकेंडरी मैसेंजर की तरह एक्ट नहीं करेगा ड्यूरिंग द सेल सिग्नलिंग जल्दी बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज अ सेकेंडरी मैसेंजर वेरी गुड सुरभि गुड सोनाक्षी अनुजा कृता अदिप्ता मधु सुचित्रा लवली पूजा वेरी गुड गुड पलक हरीश अद्रजा वेरी गुड राइट सो इट इज द पी एल सी पी एल सी क्या है इट इज द लाइपे सी दिस इज द फॉस्फोलाइपेस सी फॉस्फो जो सी है दिस इज़ द इफेक्टर प्रोटीन राइट दिस इज द इफेक्टर प्रोटीन है ना ये आपका इफेक्टर प्रोटीन है ये फर्दर क्या बनाएगा आपके जो फॉस्फोलिपिड्स है जो फॉस्फेटल आइनोसिटॉल जो फोर फाइव बेस फॉस्फेट है उसको क्या करेगा वहाँ पर क्लीव करके एंड आपका आई पी थ्री एंड डैग बनाएगा और ये आई पी थ्री और जो डैग है दे विल एक्ट एज अ सेकेंडरी राइट The nitrogen-fixing nodules of a bean plant carries a variant of the hemoglobin molecule which scavenges the oxygen is, which scavenges the oxygen, or wo consa a variant of the hemoglobin. variant of the hemoglobin. It will be it will be B, right? मोग्लोबिन बिकॉज ऑफ दीज जो नोड्यूल्स होते हैं दे आर पिंक इन कलर राइट बिकॉज ऑफ दिज नोड्यूल्स आर पिंक इन कलर नेक्स्ट ओके नेक्स्ट अ मैन प्रोड्यूसिस द काइंड ऑफ स्पर्म इन द इक्वल प्रपोर्शन ई कैपिटल ई कैपिटल एफ कैपिटल ई स्मॉल एफ सो वॉट इज हिज जीनो टाइप विथ रेफरेंस टू द जीन स्पेसिफाइड सो उसने क्या करे हैं ये अलग अलग कॉम्बिनेशन के स्पर्म्स प्रोड्यूस करे हैं सो so, उस इंडिविजुअल का जीनो टाइप क्या रहा होगा हेलो गौरव सो दिस इज वेरी इजी और थोड़ा सा बस क्वेश्चन को लैंग्वेज को घुमा दिया है बाकी वही चीज है जो हम पढ़ते आए बहुत सारे क्वेश्चन हमने इस पे सॉल्व किए हैं वेरी गुड गुड सो आंसर क्या होगा आंसर बी होगा सबसे पहले तो इसने देख लो या यहाँ पे बच्चे चार टाइप के गैमिट्स बना दिए तो चार टाइप के गैमिट्स मतलब कि दो हिटरोजाइगस जीन्स होंगे यहाँ पे तो आपका क्या होगा आपके पास में टोटल फोर गैमिट्स बनेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हिट्रोजाइगस दो कर, यहीं पर है इसी के अंदर है एक तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो दूसरा कि यहाँ पे आपको क्लियर है कि इसी में ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे राइट बट जब कभी बड़ा कॉम्बिनेशन होता है तो आप डिरेक्टली भी ऐसे करके निकाल के फॉर्मूला से भी निकाल के देख सकते थे ठीक an है चलिए इफ द टू लोसाई आर फोर्टीन मैप यूनिट्स अपार्ट एंड एन इंडिविजुअल विद दिस टेस्ट क्रॉस्ड देयर विल बी इंडिविजुअल है कैपिटल ए और स्मॉल बी मतलब कि रिपल्शन अरेंजमेंट है यहां पे, राइट रिपल्सिव अरेंजमेंट है रिपल्शन वाला जो अरेंजमेंट होता है वो है इसका मैं क्रॉस करवा रही हूं बच्चे यहां पर ठीक है इसके साथ में क्रॉस हो रहा है करेक्ट सो so, अब आपको आंसर बताना है हाँ और दोनों दो जीन्स के बीच में ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज द फोर्टीन मैप यूनिट्स 14 map unit distance ओके okay, बाकी के बच्चे आंसर करिए टाइम लो बट आंसर करेक्ट करो मैंने तो पूरा आपके सामने क्रॉस बना ही दिया है सिर्फ आपको तो इसे सॉल्व करना है और राइट सो अगर मैं इस क्रॉस को लेकर चलूँ तो यहाँ से कितने गैमिट बनेंगे बच्चे यहाँ से एक ही गैमिट बनेगा दैट इज स्मॉल ए एंड स्मॉल बी करेक्ट तो यहाँ पे मैं एक ही गैमिट लिख लेती हूँ स्मॉल ए एंड स्मॉल बी यहाँ से आपके पास में आ जाएंगे इस इस प्रोजनी से आपको चार गैमिट्स मिलेंगे ये तो होगा आपके पेरेंटल राइट right? ये तो होगा आपके पेरेंटल देन आपका रिकॉम्बिनेंट आ जाएंगे ये कैपिटल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल ए एंड स्मॉल बी ये दोनों जो हो गए ये आपके रिकॉम्बिनेंट्स हो गए राइट right? तो यहाँ पे आपका जीनोटाइप क्या हो जाएगा कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी राइट बच्चों दूसरा पेरेंटल जीनोटाइप क्या हो जाएगा स्मॉल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी यहाँ पे अब रिकॉम्बिनेंट का जीनोटाइप क्या होगा कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी दूसरा क्या हो जाएगा स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी तो ये दोनों जो आए ये हमारे पास में आए हैं रिकॉम्बिनेंट्स राइट तो ये टोटल रिकॉम्बिनेंट्स कितने होंगे फोर्टीन मैपयूनिट डिस्टेंस है तो टोटल रिकॉम्बिनेंट्स विल बी 14 परसेंट तो जिसमें से 14 परसेंट टोटल है तो ये वाला भी क्या होगा सेवन होगा और ये वाला भी जो होगा वो भी सेवन परसेंट होगा तो इस क्वेश्चन में सी ऑप्शन हमें करेक्ट लग रहा है दैट दिस विल ये इंडिविजुअल जो होंगे वो टोटल के सेवन परसेंट हमें मिलेंगे क्लियर है चलें आगे चलिए डीएनए वॉज एक्सट्रैक्टेड एंड एनालाइज फॉर द बेस कॉम्पोजिशन फ्रॉम द सेल ऑफ स्टेफाइलो आफ्टर मेंटेनेंस सो इट वॉज फाउंड दैट थर्टी सेवन परसेंट ऑफ द बेसिस दिस इन्फॉर्मेशन प्रिडिक्ट द वॉट विल बी द परसेंटेज ऑफ द एड इन का परसेंटेज निकालना है सो अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑन शागव्स रूल शागव्स रूल पे क्वेश्चन है इजी है सॉल्व करो वेरी गुड शांशी वेरी फास्ट हाँ वेरी गुड है ना तो बाकी के बच्चे आंसर करके बताओ क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ तो भी गड़बड़ है इसमें जल्दी बताओ आंसर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी जो होगा क्या वो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ओके वेरी गुड सो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि थर्टी सेवन परसेंट अगर साइटोसिन है तो 37 परसेंट ही मेरे पास में ग्वैनिन आ जाएगा तो ये टोटल कितना हो जाएगा 74 परसेंट हो जाएगा तो एडेनिन प्लस थाइमिन कितने हो जाएंगे टोटल हो जाएंगे हमारे पास में 26 परसेंट तो 13 परसेंट एडिनिन रहेगा और 13 परसेंट थाइमीन रहेगा तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर विल बी बी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा सिंपल है बस क्वेश्चन को घुमाया जा रहा है ठीक है आपको कंफ्यूज करने के लिए अब यहाँ पे एवरेज मॉलिकुलर वेट ऑफ वन अमाइनो एसिड इज वन हंड्रेड एंड टेन डालटन बच इसने जो मॉलिकुलर वेट दिया है वो ऑलरेडी एच टू ओ के एच टू ओ को निकाल के किया है राइट वैसे जो एवरेज मॉलिकुलर वेट होता है दैट इज वन ट्वेंटी एट बट जब पिप्टाइड बॉन्ड बनता है तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होता है तो आपका वेट आता है Uh, यहाँ पे 110 तो उसको यहाँ पे रिड्यूस करके दिया हुआ है सो मोलिक्युलर पेप्टाइड मोलिक्युलर वेट ऑफ पेप्टाइड मेड अप ऑफ द 10 अमाइनो एसिड तब आपको बताना है टेन अमाइनो एसिड का कितना होगा वॉट विल बी द आंसर जो भी जिन्होंने भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है बच्चे प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए हाँ जी सो द आंसर विल बी ए सो द आंसर विल बी ए कुछ ने किया वन हंड्रेड एंड टेन इन टेन कर दिया सो so आंसर हो गया वन डबल वन डबल जीरो क्लियर है इज इट क्लियर बच्चे वैसे तो नॉर्मली जब ये क्वेश्चन देते हैं ना तो ये वन हंड्रेड एंड टेन डाल्ट देते नहीं है बट जब ये वन हंड्रेड एंड टेन डाल्ट आपको दे रहे हैं ना तो मतलब कि उन्होंने ऑलरेडी रिड्यूस करके ही दिया है राइट right. हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि वन हंड्रेड टेन क्योंकि एवरेज मॉलिकुलर वेट इज नॉट वन हंड्रेड टेन इट इज वन हंड्रेड ट्वेंटी एट क्लियर वैसे ये इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो आते नहीं है नॉर्मली क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स दिए होते हैं आपको वेट खुद ही निकालना होता है इस टाइप के क्वेश्चंस तब भी आ जाते हैं कोडोन से रिलेटेड आ जाते हैं इसमें या तो जैसे अभी मैंने रिसेंटली आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसमें आ, 174 वेट दिया हुआ था आरजिन का तो अब आर्जिन का 174 दिया हुआ है तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो अब आप माइनस करोगे बट जब इट इज़ गिवन दैट वन तो बच्चे वन से और कितना कम वेट जाएगा करेक्ट ठीक है Chali. So which one of the following combinations oh ho, which one of the following combinations of amino acids in a protein is likely to be phosphorylated by protein kinases. बी होगा आंसर येस सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ प्रोटीन इज लाइकली टू बी फॉस्पोराइलेटेड बाई द प्रोटीन काइनीजेस सो दैट विल बी द बी बिकॉज यहाँ पे आपको सैरिन भी गिवेन है एंड यहाँ पे आपको थ्रियोनिन भी गिवन है राइट सो बी विल बी द करेक्ट आंसर बी विल बी द करेक्ट आंसर जिन्होंने भी बी right? so किया है आपका आंसर एकदम करेक्ट है इन प्रोटीन्स एन लिंकड ओलिगोसेराइड आर अटैच टू आर ओलिगोसेराइड टू विच अमाइनो एसिड इस वाले क्वेश्चन का आंसर करो तुम्हारा मिक्स हो गया आंसर ऊपर वाले के साथ में डी डी एक दो ने बी के आंसर ओके सो आंसर हियर विल बी एस्पैरजिन राइट आंसर जो होगा इट विल बी एस्पैरजिन राइट दैट इज नॉट आर्जिन नहीं होगा इट विल बी एस्पैरजिन राइट दैट इज द ए एस एन ए एस एन जो होता है एस्पैरजिन उस पर क्या होता है एनलिंग ग्लाइकोसाइलेशन होता है ठीक है आंसर इज डी हे आंसर क्या है आंसर डी है नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोविंग अमाइनो एसिड हैज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कोडोन इसमें से किसके ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कोडोन होते हैं मैंने अभी मोलिकुलर बायोलॉजी में आपको जेनेटिक कोड पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको ये पूरा लिखवाए थे राइट मोलिकुलर बायोलॉजी में जेनेटिक कोड पढ़ाया था आप लोगों को आंसर क्या होगा विच वन ऑफ द फॉलोविंग हैज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द कोडोन्स It will be B, right? Leucine. Leucine have the six codons, right? Next, induction of beta galactosidase activity by IPTG is the result of. हाँ जी जिन भी बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया बच्चे प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए ओके बी सी बी सी अधिक इसका बी आंसर होगा मधु आंसर बी होगा इसका आंसर सी होगा जो आपका इंडक्शन ऑफ द बीटा इलेक्ट्रोसाइड एक्टिविटी बाय आईपीटीजी क्या होगा जो आईपीटीजी होगा वो जाएगा और जो लैक आई जीन का जो प्रोडक्ट है लैक आई जीन का प्रोडक्ट क्या होगा आपका रिप्रेसर प्रोटीन वो क्या करेगा इस रिप्रेसर प्रोटीन के साथ जाके बाइंड करेगा और अब ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा नो बाइंडिंग विद द ऑपरेटर विच मीन्स क्या हो जाएगा जीन ऑन हो जाएगा एंड आपका बीटा इलेक्ट्रोसाइडेज का एक्सप्रेशन होगा सो so आंसर हो जाएगा सी बहुत सिंपल है ठीक है बट छोटी छुट छोटी गलती नहीं करनी है जल्दी में अमाइनो एसिड्स आर अटैच टू द करेक्ट टी आर एन ए मॉलिक्यूल बाय द सेट ऑफ एक्टिवेटिंग एंजाइम्स सो एक्टिवेटिंग एंजाइम्स कौन से होते हैं बच्चे एक्टिवेटिंग एंजाइम्स जो कि एक्टिवेशन में हेल्प कर रहे हैं ओके okay. सो so, हम बोल सकते हैं कि जो आपका अमाइनो एसाइल टी आर एन ए सिंथेटेज है ए ए आर एस अमाइनो एसाइल टी आर एन ए सिंथेटेज जो है इट हैव द ये क्या करता है एक्टिवेशन करता है टी आर एन ए इसका राइट पहले क्या होता है अमाइनो एसिड जो होते हैं वो इनर्ट फॉर्म में होते हैं तो ए एम पी के साथ में बाइंड करते हैं राइट एक्टिवेशन होता है देन या माइनो एसिड जो होता है उसकी चार्जिंग हो जाती है राइट right? टीआरएनए की चार्जिंग हो जाती है वो टीआरएनए पे फिर आके बाइंड कर जाता है क्लियर नेक्स्ट द शाइनी दलजर्नो सीक्वेंस इज अ पार्ट ऑफ शाइनी दलजर्नो सीक्वेंस इज अ पार्ट ऑफ शाइनी दलजर्नो सीक्वेंस पूछा है किसका पार्ट होगा वेरी गुड लवली सोनू अदिप्ता श्रेयांशी सुचित्रा वेरी गुड सो so, आपका फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम अगर मैं एम लेती हूँ तो ये रहा आपका ए यू जी और ये रहा यू ए ए आपका स्टॉप कोडोन ठीक है उससे आगे ये आपका ए जी जी ए जी जी है राइट तो दिस रीजन ये वाला जो रीजन है दिस इज द फाइव प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन और इसके बाद वाला जो रीजन रहेगा वो रहेगा थ्री प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन तो इसको हम क्या बोल देते हैं लीडर सीक्वेंस भी बोल देते हैं लीडर और इसको हम क्या बोल देते हैं ट्रेलर पार्ट भी बोल देते हैं राइट ट्रेलर सीक्वेंस राइट तो ये जो बीच का है ये तो हो गई आपकी ओ आर एफ है ना ये तो हो गई आपकी ओपन रीडिंग फ्रेम सो तो ये जो आपका ए जी जी ए जी जी जो आपका शाइनी दलजर्नो सीक्वेंस है वो कहाँ प्रेजेंट है लेडर ऑफ एन एम आर एन ए मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है और जो सिक्सटीन एस राइबोजोबल आर एन ए होता है उसके अंदर क्या होता है इट हैव कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू द इट हैव कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ शाइनी दलजर्नो सीक्वेंस राइट शाइनी दलजर्नो का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो होता है वो इसके पास में प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से करेक्ट पोजिशनिंग होती है एम आर एन ए की एट द पी साइड की जो स्टार्ट कोडोन होता है वो पी साइड पर आता है दिस इज द लास्ट क्वेस्चन बच्चों इफ द इंडिविजुअल्स ऑफ जीनो टाइप दिस आर इंटर हाउ मैनी कंप्लीट हाउ मैनी डिफरेंट एफ टू जीनोटाइप कैन अपियर अज्यूमिंग द कंप्लीट को डोमिनंस ओके आई गॉट इट लास्ट एक क्लास हुई थी जिसमें ये वाले क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट आया था राइट कंप्लीट कोडोमिनस कंप्लीट को डोमिनेंस ये को डोमिनेंस की बात कर रहा है समझ पा रहे हो को डोमिनेंस मतलब कि ध्यान से देखना एक चीज ये क्वेश्चन को कई बच्चों को समझ में नहीं आया था तो यहां पर इसका आंसर जो होगा ना बच्चे एट होगा ठीक है कई बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया था तो हमने क्या बात करी थी अगर ये इंडिविजुअल्स हैं ठीक है बी बी और कैपिटल सी स्मॉल सी इनका क्रॉस होता है ठीक है इनका क्रॉस होता है है ना तो इनका अगर क्रॉस होगा तो आपको पता है यहाँ पे डोमिनेंट कौन सा है यहाँ पे डोमिनेंट कैपिटल ए है कैपिटल बी है एंड कैपिटल सी है राइट तो यहाँ पे इनके जो गैमीट्स बनेंगे है ना तो गैमीट्स क्या क्या बनेंगे बच्चे अगर मैं इसके गैमीट्स बना के देखूँ तो ये हो जाएगा राइट right? ये हो जाएगा है ना ये गैमिट ले लूँ मैं इसमें कैपिटल ए बी सी कैपिटल ए बी स्मॉल सी कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल स्मॉल सी राइट दूसरा हो जाएगा स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी राइट क्या ये हो सकता है है ना तो अब यहाँ पे क्या हो गया इसके अंदर ये जो होगा तीनों डोमिनेंट हो गए इसके अंदर ये डोमिनेंट हो गए इसके अंदर ये दोनों डोमिनेंट हो गया तो यही तो सिर्फ आपको फिनोटाइप मिलेंगे ऑलरेडी यही तो आपको मिलेंगे एफ टू के अंदर आपको यही तो फिनोटाइप देखने को मिलेंगे बच्चे यस और नो यस और नो क्या हमें यही फिनोटाइप देखने को मिलेगा कि अब यहां पे देख लो कि अगर आप इसका क्रॉस करवाते हो बच्चों है ना अगर आप इसका क्रॉस कराते हो आप पूरा अगर चार्ट भी बना लेते हो चार्ट बोल रहे हो पुनेट स्क्वायर पूरा बना लेते हो तो आप यहाँ पे पूरे गैमिट्स लिखोगे कैपिटल ए बी सी कैपिटल ए बी स्मॉल सी कैपिटल ए बी और सी राइट तो यहाँ पे क्या होगा कैपिटल ए बी सी आया तो भी क्या होगा ये को डोमिनेंट ही तो हुए क्या ए बी और सी ये सारे को डोमिनेंट हुए अब जब इनका वापस से क्रॉस कराओगे तो कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी राइट कैपिटल सी ये हो जाएगा करेक्ट होगा कि नहीं होगा इसमें डिफरेंट टाइप के फिनोटाइप पूछे हैं इसमें क्या पूछा है टाइप्स पूछा है कितने डिफरेंट टाइप के फिनोटाइप आपको यहां पर मिलेंगे क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है इसमें यह नहीं पूछा है कि कितने प्रोजनी होंगे इसमें यह पूछा है कि कितने टाइप के एफ टू मिलेंगे सो देयर विल बी जस्ट एट टाइप्स आपको सिर्फ और सिर्फ एट टाइप्स मिलेंगे क्लियर है इज इट क्लियर चलिए सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन बच्चे लास्ट क्वेश्चन था अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है मैं अभी इसके एक टेबल शेयर कर दूंगी ठीक है जिसमें क्रॉस हुआ है आपको उससे और अच्छे से चीज़ें समझ आ जाएंगी एंड येस uh, uh, yes, आप लोगों का सी यू ई टी का जो मॉक टेस्ट है वो कल है मैं अपने कम्युनिटी ग्रुप पे भी जस्ट शेयर कर रही हूँ उसकी डिटेल्स तो आप लोग वहां से उसको ज्वाइन uh, कर लेना कल मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी क्यू आर कोड भी शेयर कर दूंगी ठीक है ऑल राइट सो अब हम मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट फ्राइडे ठीक है नेक्स्ट फ्राइडे अगेन 9 पी एम ठीक है अगेन 9 पी एम हम नेक्स्ट फ्राइडे मिलेंगे और कल संडे को मैं आपकी स्पेशल क्लासेस लूंगी मैं जैसे ही क्लास से एक घंटा पहले जब मैं लेने वाली हूँ आई शेयर द लिंक ऑन व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम दोनों जगह ठीक है ऑल राइट ओके देन बाय बाय एवरी वन टेक केयर